बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारे से दुआ के साथ जी व्लॉग का आगाज करते हैं और आज वीडियो के आगाज में मैं लेके आ गई हूँ जी यूनिफॉर्म, क्योंकि जी दो तीन दिन से ना हमारा जो यूनिफॉर्म है ना वो बड़े लेट धुलते हैं। तकरीबन मुझे रात के 11 बजे आना पड़ा है, एक दो बार महक फातमा ने धोए हैं। आजकल दिन में बड़ी मसरूफियत रहती है तो आज मैंने कहा कि ये वाला काम जो है ना हम पहले निपटा लेते हैं। महक फातमा तो माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई है, उसका तो डेली नहीं धुलता, लेकिन दोनों लड़कों के शहजेब अवैस का डेली यूनिफॉर्म धोना पड़ता है। शाहजेब की जेब में से ना ये निकलती होती है टूथपिक्स, उसकी दांतों में कैविटी है तो ये रखता है, तो अक्सर बेध्यानी में ना हमारे हाथों में चुभ जाती होती है। चले जी अल्लाह का शुक्र है यूनिफॉर्म मेरे धुल गए हैं और इकबाल साहब और शाहजेब बैठ के यहाँ पे सब्जी बना रहे थे, क्योंकि मेरे 3-4 दिन से पार्लर में काफी मसरूफियत रही है तो आज खाना पीना हमारा बहुत लेट हो गया, हम बहुत लेट आए हैं। ऊपर तो इकबाल साहब कहते चलो आप यूनिफॉर्म धो लो तो मैं सब्जी बना देता हूँ, मगर अजान हो गई है, वो दोनों नमाज पढ़ने चले गए तो आज माशाल्लाह जी गोभी बड़ी अच्छी आई है। पिछली दफ़ा शाहजेब लेके आया था तो इतनी अच्छी नहीं थी, और जब से अम्मी लोग गए हैं ना हम दूसरी दफ़ा सब्ज़ी बना रहे हैं, हमारे घर में सब्ज़ी नहीं बनी है तब से, बच्चे बनाने ही नहीं दे रहे, सिर्फ आ जाके गोभी के लिए मान रहे। सर्दियों वाली सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, मटर वगैरह खा लेते हैं, गर्मियों वाली नहीं खाते, तो ये गोभी इसलिए पकाने देते हैं कि सुबह फिर गोभी वाले पराठे खाएँगे। ये हाजी धनिया बनाओगे, टाइम थोड़ा ना मैंने भी नमाज बनी है, केला खा के ना धनिया बनाना आता है। चलो ठीक, Thank you.
एक बोरी में बालन रखा हुआ था, लकड़ियां रखी हुई थी, तो वो जिस दिन बारिश आई तो इकबाल साहब के ऊपर उन्होंने पता नहीं कहाँ संभाल दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा, और वो नमाज पढ़ने गए अभी तक आ ही नहीं रहे। तो ये मुझे एक चीज मिली, मैंने कहा चले इसे तोड़ कर गुजारा करते हैं। कोई काम चले गए, इतनी देर में एक बार सब आ जाएंगे। बालन का तो हमने बंदोबस्त कर ही लिया था जी, लेकिन माचिस सब नहीं मिल रही है ना, बच्चे भी दोनों चले गए हैं एक बार साहब के साथ नमाज पढ़ने, तो मैंने सोचा चले मैं इतनी देर में आटा गूंध लेती हूँ। आजकल असल में जब सीजन के दिन होते हैं ना, जब काम शुरू हो जाता है, तो हमारे घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। अब एक अकेली औरत महकमा स्कूल चली जाती है और सुबह उठी हूँ मैं, सो गई है, मैंने सफाई की है, किचन साफ किया है, नाश्ता करवाया सबको, और फिर जी कुछ पार्टी मेकअप थे, वहाँ से मैं निकली हूँ 2:30 बजे, नमाज पढ़ी है, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। इतनी देर में एक और क्लाइंट आ गई, फिर उसको टाइम दिया, करते कराते हम लोग 4 बजे आए यहाँ पे, और जैसे 4 बजे आए अभी तक थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं अपने सीधे पदरे हो रहे थे कि अजानें शुरू हो गई, तो फिर अजानों का इंतज़ार किया, एक बार सब नमाज पढ़ने चले गए। तो इसी चक्कर में जी हमें हमेशा देर ही हो जाती है ब्लॉग बनाते हुए, कोशिश तो होती है मेरी कि मेरा टाइम पर ब्लॉग आ जाए और मेरी सारी बहनें टाइम पर देख लें, मगर आजकल जी कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, बस आपकी मोहब्बत है, आप लोग फिर भी सपोर्ट करते हैं। नीचे दरवाजे की आवाज़ आई तो है, देखे कौन आया। चलें जी, अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। माचिस लेट हो गई तो मैंने जल्दी से आटा गूंद लिया, और मैं एक बात में भी कह रही हूँ मामा चलिए अच्छा हो गया आटा पहले गूंद गया, जितनी देर में हमारी हंडी पकेगी तो शाजेब रोटियां लगवा के ले आएगा। आज मैंने बच्चों को मना लिया कि आज मैं तंदूर की रोटी खा लूँ, क्योंकि आज हम बड़े लेट हो गए। पैदरी बैग ले आना बेटा, अभी रोशनी है इधर, उम्र कर लो बैठ के। अच्छा आ गया ले, शाबाश बड़ा अच्छा बच्चा मेरा, खुद ही लेके आ गया, इधर चार पाई खेल लो, इधर मेरे पास आओ। सजेव सजेव सर आओ रोटी का लगवा लेना, जन्म ने भूपो के पास जाना था, इसलिए जन्म को ला। हाँ जी फिडर किसके पास है, किधर लाओ किधर लाओ। हाँ जी जाना भाई तुम्हारे घर, मर गए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी हाँ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जन्म को भूख लगी थी, जन्म को नींद भी आई हुई है। Yep.
काफी दिनों से मैं उधर जा नहीं पा रही हूँ, तो महक फातिमा का भी दिल उदास हो रहा था जैनब फातिमा से, और मेरा भी दिल उदास हो रहा था, तो मैंने शाहजेब को भेजा, मैंने कहा जाओ जैनब को लेके आओ। तो आयजा जो है वो शाहजेब के, तो मामा को भी शर्म आती है कि मैं बच्ची को उठा के गली में से लाऊंगा, तो फिर आयजा लेके आई है। थैंक यू आयजा, बैठ जाओ। और सुनाओ दादा का क्या हाल है, तबीयत ठीक है? खुद ही पकड़ लेती है जैनब, खुद ही पकड़ लेती है इधर, जैनब खुद ही पकड़ लेती है। जैनब को जब हमारा दिल करता है हम लेके आ जाते हैं। अभी ये एक महीने की भी नहीं हुई, अभी हम महीने की भी नहीं हुई, पहले तो सवा सवा महीना बच्चों को बाहर नहीं कर निकाला जाता होता था, लेकिन हम जैनब को ले आते हैं। जैनब के बगैर हमारा दिल नहीं लगता, फूफो को टाइम ही नहीं मिलता आने का, फूफो को टाइम नहीं मिलता। जैनब की बेली भर गई, पेट पूजा हो गई, पेट पूजा हो गई है। चलो डकार, डकार भी करना होता है, डकार भी करना होता है, डकार दूध पी के अच्छे करते हैं। चलो डकार कर लो। असल में अम्मी लोग भी अभी छत पे रहते हैं ना, तो जैनब का रंग काला हो गया। वैसे भी बच्चे जो है ना सवा महीने तक रंग जो है वो बदलते रहते हैं, तो अब अल्लाह करे कि मुझे अपनी रेसिपी याद रह जाए, ये ना हो मैं कुछ का कुछ डाल दूं जैनब के चक्कर में। पहले रो रही थी जैनब, अभी पेट पूजा हो गई है ना, तो अब फीडर को मुंह भी नहीं लगा रही है। इसका ढक्कन नहीं था शाहजेब, जैनब फातिमा मेरी दादी अम्मी का नाम था, और जब मेरी महक पैदा हुई थी तो मैं महक का नाम जैनब फातिमा रखना चाहती थी, मगर इसके पापा को महक फातिमा पसंद था, तो उन्होंने फिर वो रख दिया। तो तब से लेके मैं हर लड़की, जितनी भी बच्चियां हमारे घर में पैदा हुई हैं, 1, 2, 3, 6 लड़कियां पैदा हुई हैं, तो 6 की 6 की दफ़ा मैंने कोशिश की है कि किसी बच्ची का नाम जैनब फातिमा हो जाए, मगर किसी का भी नहीं रखा गया। और ये आखिरी पीस है हमारे बहन भाइयों में जिसका नाम फाइनली फिर जैनब फातिमा रख ही दिया गया। तो जैनब फातिमा बड़ी प्यारी है, जैनब फातिमा बहुत प्यारी है, बड़ी अच्छी बच्ची भी है ना, चोर भी नहीं करती। पहले तो दूध पीना था ना, इसलिए भूख लग जाती होती है छोटे बच्चों को, है ना। जैनी जैनी जैने शाहजेब नीचे से ले जाना, पोना एक नीचे से ले जाना, ये वैसे भी थोड़ा सा जला हुआ, और छाता भी ले जाना ठीक है, और पापा से पैसे लेते हैं तो 6 रोटियां लगा लें बहुत ठीक है। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, हांडी हमारी बन गई है, और शाहजेब जो है वो रोटियां भी बनवा के ले आया है, और इकबाल साहब असल की नमाज पढ़ने गए थे, अभी तक नहीं आए, मगरब की नमाज भी उन्होंने पढ़ ली होगी, और जैनब अभी तक मेरे पास है, मैं फातिमा लेके बैठी हुई थी, और शाहजेब अब ऐसे बाहर चले गए हैं, तो अब हमारा हौसला नहीं हो रहा कि हम इसको चारपाई पे अकेले डाल के तो खुद दोनों माँ बेटियाँ नमाज पढ़ने लग गई। तो लेकिन कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, अगर मैं यहाँ डालती हूँ यहाँ पढ़ती हूँ फिर भी मैं फातिमा एक ना जैनमाज और ले आओ, मैं अपने साथ बिछा के ना दूँ उस जैनमाज भी स्कूल डाल देती हूँ। तो ठीक है जी, आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह किसी और चीज़ में। लोग में दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा, बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। जैनमाज पढ़ी, जैनमाज पढ़ी, जैनब माज, जैनब पप्पू के साथ माज पढ़ेगी क्या, जैनब पप्पू के साथ माज पढ़ेगी, जैनब पप्पू के साथ माज पढ़ेगी।